तो गुड मॉर्निंग भाई लोग फ्रॉम कोची एंड अभी सुबह के 6:40 हुए हैं एंड मैं अभी नहा धोकर तैयार हो गया हूँ और आज के लिए निकलता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। बताना चाहूँगा वैसे तो कोची में बहुत सारी लोकेशन है, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं, एक लुलु मॉल भी है, बहुत बड़ा मॉल है, बट दीज आर मैन मेड थिंग्स। मॉल तो यार आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, जहाँ के भी रहने वाले हो, कितने भी मॉल में चले जाओ, तो वैसे तो ये लुलु मॉल जो है मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मॉल शायद, मे बी गूगल कर लेना आप, मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है, बस जितना मैंने सुना है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम भी हैं और चर्चेस भी हैं, जैसे मैंने बताया, इन सबको घूमने में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं तैयार हो जाता हूँ, ऐसी जगह में नहीं जा रहा, मुझे केवल नेचुरल चीज़ें देखने में बड़ा इंटरेस्ट है अभी फिलहाल के लिए। तो आज के लिए मैं इसी होटल में स्टे करने वाला हूँ, बस घूमने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर नीचे जाकर उन्हें बोल दूंगा और उन्हें जो भी एडवांस या फिर पैसे देने होंगे वो दे दूंगा अभी सुबह ही। अभी 7:11 हुए हैं और कोची की सड़कों पर निकल लिया हूँ पैदल पैदल। एक्चुअली यहाँ पर बस स्टैंड थोड़ा सा आगे है जहाँ से मुझे आज की बस पकड़नी है, तो थोड़ा जरूर मुझे पैदल जरूर चलना होगा बस इस वजह। बट मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करूँगा, बिकॉज वे काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। लो जी, मैं अभी यहाँ के एर्नाकुलम के मेन बस स्टैंड पे आ गया हूँ और ये मेन बस स्टैंड मतलब जो यहाँ का जो रोडवेज बस स्टैंड होता है ना हर जगह पे, वाला बस स्टैंड है और यहाँ से मैं आज की बस पकड़ने जा रहा हूँ। मेरी जो आज की लोकेशन है लगभग है 80-90 किलोमीटर, काफ़ी दूर है, गूगल भी 2 घंटे का टाइम बता रहा है लगभग पहुँचने के लिए। उस जगह का नाम है अतिरापिल्ली। अब नाम तो सुनने में ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब लोकेशन पर पहुँचेंगे ना तब आप कहोगे कि भाई कौन सी जगह ही ले आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे एक बस बीच में चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। अगर यहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वी विल चेंज इट। तो भाई ये रहने वाली है आज की हमारी सवारी, मैं जा रहा हूँ अतिरापिल्ली जैसे मैंने आपको बताया, और ये बस जो है डायरेक्टली अतिरापिल्ली नहीं जाएगी, ये मुझे पहले जाकर छोड़ेगी चालाकुड़ी। चालाकुड़ी जगह का नाम है, आई डोंट नो मैं इसे सही से ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। जो रोडवेज बसें हैं वो भी कुछ इस तरीके की हैं, बिल्कुल ओपन एकदम, पूरी हवा लेते हुए जाओ, अपना एंजॉय करो पूरा। चालाकुड़ी से अतिरापिल्ली डायरेक्ट? ओके भाई, बस निकल चुकी है बस स्टैंड से अभी। भाई चालाकुड़ी तो हम अभी पहुंच गए हैं, लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा चालाकुड़ी पहुंचने में एर्नाकुलम से, और यहाँ पर है बस स्टैंड। तो चालाकुड़ी का बस स्टैंड है भाई, काफ़ी बड़ा है ये तो। यहाँ पे बस एक दिक्कत है कि किसी भी बस पे इनकी रीजनल लैंग्वेज में ही नाम लिखे हुए हैं, मतलब पढ़ना हमारे लिए, बाहर के लोगों के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सा ही है। कुछ ही बस ऐसी हैं जिन पर इंग्लिश में लोकेशन का नाम लिखा रहता है। मैंने अभी गूगल मैप पे सर्च करा है तो चालाकुड़ी से जो है अतिरापिल्ली 32 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और 50 मिनट का टाइम जो है अतिरापिल्ली वाटरफॉल पहुंचने में लगने वाला है यहाँ से। एंड मुझे ये नहीं पता कि अतिरापिल्ली बस स्टैंड से या बस स्टॉप जो भी होगा उधर से वाटरफॉल कितनी दूर होगा। अतिरापिल्ली 40। तो अभी मैं फाइनली अतिरापिल्ली पहुंच चुका हूं और ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पर, इसी बस से मैं अभी आया हूं। मैं ज़्यादातर मुझे खेल खिलौने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एंड उसके अलावा रेस्टोरेंट भी है, जिस चीज़ को भी हम देखने आए हैं उसके लिए हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। अभी
थोड़ा सा मैं एक बार दो मिनट के लिए मार्केट देख लूँ कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसके बाद यहाँ से टिकट भी लगेगा शायद अंदर जाने के लिए, और वो लेते हैं और चलते हैं फिर अंदर और दिखाते हैं आपको कि क्यों मैं अहिरा पिल्ली आया हूँ कोची से इतनी दूर ट्रैवल करके 3 घंटे लगा के, वो भी बस में। भाई मैंने टिकट ले लिया है यहाँ से मेरा, और 50 रुपये का ये टिकट पड़ा है, ये मेन गेट यहाँ का। चलो भाई चलो, ये तो मुझे पता नहीं कितनी दूर यहाँ से चलना पड़ेगा, लेकिन जो भी है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी तो मैं चले जा रहा हूँ, लगभग 2-3 मिनट ही हुए हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा रास्ता है नहीं है। अभी मैं फाइनली अपनी आज की लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे क्या है, इस ब्यूटीफुल रिवर। पहले तो आप ये वाटरफॉल देख लो सही से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाटरफॉल किस चीज़ के लिए फेमस है, किस वजह से टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। भाई ये कच्चे रास्ते पे हम उतर तो रहे हैं, लेकिन शायद चढ़ने में वापस दुख देने वाला है, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है। तो भाइयों अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मैं फाइनली अब आपको दिखाई देता हूँ कि एर्नाकुलम से मैं 3 घंटे का सफ़र करके जो चीज़ देखने आया हूँ वो है ये। वॉटरफॉल तो आपने खूब देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ ये वॉटरफॉल किस वजह से इतना फेमस है। आपने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी ना, तो यही वो स्पॉट है जहाँ पर बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अभी देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन भाई अगर सच में बाहुबली पिक्चर की शूटिंग इस झरने के नीचे हुई है ना, तो इट इज टू डेंजरस। मेरे हिसाब से तो कोई भी इसके नीचे नॉर्मल इंसान तो खड़ा हो नहीं सकता बिना किसी प्रोटेक्शन के, जो पानी का बहाव है ना बहुत तेज है। और एक चीज़ है कि यहाँ पर ना केवल एक ही झरना नहीं बह रहा है, कई सारे झरने हैं, उधर एक छोटा सा भी है पतला सा जो बह रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी बह रहा है, इधर ये सबसे बड़ा फील होता है, और उधर भी है जो क्लियरली यहाँ से दिख नहीं रहे। यहाँ पर आने में भले ही 3 घंटे जरूर लगते हैं आपको कोची से या एर्नाकुलम से, लेकिन नज़ारा आपने देख ही लिया कि किस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत ये वाटरफॉल है, इस लाइन में ये मेरे को सुनने में आया है कि आप जितना और आगे चलेंगे और भी कुछ इस तरीके के वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एतरा पिल्ली का ये जो वाटरफॉल है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर से यहाँ पर पिक्चर की शूटिंग भी हुई है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है, एंड इस वजह से यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अगर आप केरल आए हैं तो मेरे हिसाब से तो इस प्लेस पर ज़रूर आएँ, भले ही ये आपका एक पूरा दिन लेगा या फिर अगर आप जल्दी कर सकें तो एक और कोई ऐसा बीच आप इस प्लेस को देखने के बाद घूम सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज बेटर देन एवरीथिंग। भाई अभी मैं और भी ज़्यादा मेन लोकेशन पर आ गया हूँ, और यहाँ से लगभग जो ये तीनों बड़े बड़े झरने हैं ये बिल्कुल साफ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। दिस प्लेस इज अमेजिंग मैन, अमेजिंग।
हैं इस वाटरफॉल की हैं फुहारे बहुत तेज हैं, मैं सारा भीग गया बिल्कुल। और अभी तो सब इजी था, जो सबसे मुश्किल टास्क अभी शुरू होने वाला है वो ये है कि वापस इस चढ़ाई पर चढ़ रहा है वापस जाने के लिए। देखो भाई पूरा भीगा पड़ा हूँ, पूरी टी शर्ट पूरे बाल। ये तो अच्छा हुआ ये छोटा सा तौलिया मेरे साथ था भाई, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अभी टाइम बताता हूँ आपको क्या हो गया, 12:47 हुए हैं दोपहर के, मैं तो टाइम भी भूल गया मैं यहाँ पर किस टाइम आया था। अगर मैं अभी भी लगभग 3-4 घंटे में अरुणाचलम पहुँचता हूँ तो तब भी मेरे पास कुछ टाइम रहेगा कि मैं एक जगह और घूम सकूँ। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो मैंने एक पानी की बोतल ली थी, उन्होंने एक बोतल मेरे को 25 रुपये की दी थी और साथ में ये कहा था कि अगर मैं ये बोतल को वापस पहुँच कर रिटर्न करता हूँ तो मुझे 10 रुपये वापस मिलेंगे। पैसों की तो इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई पहाड़ों पर आकर और ख़ास तौर से पहाड़ों ही क्या, कोई भी ऐसी नेचर फ्रेंडली जगह हो जहाँ पर आपको नेचर देखने को मिले तो यहाँ पर आकर गंदगी मत करो भाई। मैंने अपनी बोतल अपने साथ रख रखी है, 10 रुपये का ऐसा कोई लालच नहीं है, फेंकने को मैं भी फेंक सकता था लेकिन अगर 10 रुपये ना भी दें कोई बात नहीं, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। एतिरापल्ली वाटरफॉल से मैं वापस आ गया और यहाँ पर मुझे डायरेक्टली बस खड़ी मिल गई है जाने के लिए एंड मैंने जो है जो बोतल थी उसको वापस कर दिया एंड उसके 10 रुपये उन्होंने मुझे वापस दे दिए और ये बोल रहे हैं कि बस 2 मिनट में बस अब चलने वाली है। मैं अभी तक भी सारा भीगा हुआ हूँ, धूप बहुत तेज़ है, होपफुली जल्दी सूख जाऊँगा। अभी मैं वापस पहुँच गया हूँ चालकुडी, चालकुडी के जिस स्टेशन पर अभी मुझे जिस बस ने छोड़ा था ना वो एक्चुअली प्राइवेट बस स्टैंड है ना कि रोडवेज, तो अभी मैं जा रहा हूँ KSRTC का जो रोडवेज बस स्टैंड है ना उधर जा रहा हूँ पैदल पैदल, यहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर की दूर बता रहे हैं और वहाँ से मेरे को बस मिलेगी अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। मतलब डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी उधर भी, उसके लिए भी एक आलुआ जगह बताइए पहले, वहाँ तक के लिए बस मिलेगी। यहाँ KSRTC चेलापुड़ी से आलुआ के लिए बस मिलती है। मैंने आलुआ से परोल की बस पकड़ी थी और परोल से चिराई, और चिराई में इस पीछे किराए पर लाकर बस ने मुझे उतार दिया। लो जी मैं पहुँच गया अपनी अगली लोकेशन पर भी, और भाई आप फिर कहोगे कि हर चीज़ को ब्यूटीफुल बता देता है लेकिन ज़रा एक बार आप इसे देख लो। भाई मैंने गोवा में भी समुंदर देखा है लेकिन ऐसा समुंदर नहीं देखा कि जिसमें लगभग 3 साइड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब तो समुंदर ही समुंदर है। बस में ट्रेवल करते टाइम बहुत कुछ देख भी लिया, अब जितना मैं देख सकता था मुझे लगता है उतना काफी है। उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे बीचेस ऑल हैं, चिराई बीच और फोर्ट कोची, ये सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर मैं कहूंगा। अगला व्लॉग जल्दी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त नवल एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो।